अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने इस्तेमाल में रखे, अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों से परेशानियों से बचाए, आमीन आमीन। फिर दुआ के साथ आज का व्लॉग जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो फ्राइडे मॉर्निंग है, टाइम हो रहा है तकरीबन 7:15 का। तो ये आप देख सकते हैं, मैं बच्चे को जो बेटे को स्कूल भेजना है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो लंच वो आते ही करेगा क्योंकि हाफ डे हो जाता है। तो ये मैं बना रही हूँ टोस्ट, इसको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया ताकि फिर वो बनने में भी ईजी हो जाता है, बच्चा भी आराम से खा लेता। तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसके अंदर चॉकलेट की फीलिंग अगर आप कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। तो मेरे पास अभी चॉकलेट नहीं थी तो इस वजह से फिर मैंने इसमें ऐड नहीं की। बस ये ऐसे ही और देते हैं जैसे छोटे से सैंडविच बच्चे के लिए, बच्चे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो मैं बेटे को ये सैंडविच दे दूँ और उसको दे खिला के तो स्कूल भेज दूँ। तो जो तबीयत है वो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कैसी है। फ्लू बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने बड़ी मुश्किल अभी नमाज भी पढ़ी, कुरान पाक भी पढ़ा जो कि ज़रूरी था, इसलिए वो तो पढ़ना बहुत ज़रूरी था। खैर तबीयत तो खुद ही ठीक होती रहेगी। तो चले मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, यहाँ पर टाइम हो रहा है तकरीबन 5:15 का, शाम 5:15 बज चुके हैं। तो मैंने अभी दूध जो है वो मंगवाया है, दूध आ गया है और आटा ये पड़ा हुआ है गूंदा हुआ। तो अभी पकाने का फाइनल करते हैं क्या बनाना है। दूध अभी बॉयल करूँगी, तो अभी चाय भी नहीं पी और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच होगी, शायद आप लोगों को भी पता हो। और मेरी तबीयत उस तरह से इतनी ख़राब हो गई हुई है कि मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती थी कि इस तरह भी हो जाएगा, इतनी भी सर्दी वापस आ जाएगी। लेकिन क्या कर सकती हूँ, चाय से ही मतलब पी के गुजारा कर रही हूँ कि तबीयत ठीक हो जाए, मुझे मेडिसिन ना खानी पड़े। तो अभी करते हैं काम, फिर करती हूँ बात। तो ये आप देख सकते हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि ये इसमें बॉल हैं और ये अचानक से आ कहाँ से गए। तो एक्चुअली ये मुझे मिले थे गिफ्ट मेरी बर्थडे पे, तो इसको मैंने ओपन नहीं किया ना ही अभी यूज़ किए हैं। तो क्योंकि अभी ये मेरी ज़रूरत के नहीं थे, किचन ऑलरेडी वैसे बहुत कैबिनेट फुल हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ वैसे शेयर तो मैं कर दूँ ना। तो इसको मैं अभी ओपन करती हूँ आपके सामने। तो जी इसमें है जी ये बॉल और ये हैं, ये इसके कैप हैं और ये है जी चीन के शीशे के बॉल हैं। ये है जी चार बॉल हैं, चार नहीं बल्कि पांच हैं। सबसे छोटी वाली ये देखिए मुन्नी सी, ये देखें जी, ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आए थे, तो अभी ये मेरी ज़रूरत के नहीं थे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ आपको तो जो है वो थोड़ा सा चेंज दिखाना चाहिए। और ये जी मुझे मिले थे ग्लास, देखिए ये जी ग्लास है, तो इनको मैं वैसे वापस रख दूँगी। और इसमें है जी
ये है जी ड्राई फ्रूट्स के लिए, और इसमें आप सैलड चूज़ कर लें, रायता यूज़ कर लें, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं तो अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं इसको वापस जो है पैकिंग में ही रख दूँगी। और इसमें और उस वो जो आपको बड़ा वाला नज़र आ रहा है उसमें है बाउल इसके साथ वाला जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, तो उसको भी ओपन करते हैं। तो खैर जो आपको ये नमक मिर्च वाले बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे पास एक ब्राउन कलर का थोड़ा डिफरेंट जो है वो पैकिंग में पड़े हुए हैं, वो भी मैंने खुद लेके आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो ये जी बाउल था, एक्चुअली जब मुझे मेरी सिस्टर ने दिया ना ये गिफ्ट, तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी ये है, कहती इसको ओपन तो करो, तो उसके अंदर था जी ये वाला बाउल, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया ये। तो ये थी जी मेरे मेरे बर्थडे गिफ्ट, और जो बाकी कुछ गिफ्ट थे वो तो मैंने यूज़ कर लिए थे, आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकी। तो अभी मैं थी फ्री तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर लें। तो अब इसको मैं वापस जो है रख दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे घर पे नहीं हैं, जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर बच्चे इतना तंग करते हैं कि आपकी सोच होगी, कुछ भी नहीं करने देते मुझे। तो अब मैं इनको जल्दी जल्दी से वापस जो है शॉपिंग बैग में डाल के तो इनको रख दूँ जल्दी से। जी यहाँ आप देख सकते हैं मैं चाय बना रही हूँ, तो बेटा स्कूल था या हाफ डे था, और वो आते ही सो गया चेंज करके, क्योंकि आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी अभी, क्योंकि मैं ब्रेड जैम जो है बहुत मुश्किल खाती हूँ, नहीं खाया जाता, लेकिन काफ़ी देर के बाद मज़ा आया खाने का। तो ये स्लाइस बटे के, अब वो चाय खाएगा चाय के साथ, तो अभी बनाना है, आज हो सकता है जो वेजिटेबल पड़ी हैं वो बना लूँ सालन में। क्योंकि छोटे बच्चे अभी स्कूल है, वो एकेडमी गए हुए हैं, तो उन्होंने अभी आना है, तो उनको भूख लगी हुई है, जाहिर सी बात है वो लगी होगी भूख, तो मैं अभी जल्दी जल्दी चाय पी लूँ। और आप सुनाएं आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बस आप लोग भी एहतियात कीजिए, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की भी और अपनी भी, जो है आपको लग रहा है कि शायद जो है सर्दी चली गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कभी गई है, ये वापस आ गई है, तो इन दिनों में एहतियात करें, बच्चों को कवर करके रखें, क्योंकि जाती हुई सर्दी जो है वो अच्छी नहीं होती, ये जाते हुए बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर जाती है, और ख़ास तौर पर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ तो जब भी ऐसा होता है काफ़ी टाइम ले लेता है फ्लू, और बहुत तंग करता है काम, हर चीज़ जो है मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो अभी जी मैं पीऊँगी चाय, तो आज का व्लॉग था बस यहीं तक, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।